हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बैंगन, बैंगन का छेचकी। बैंगन तो बहुत रकम का बनता है, बहुत रकम का आप लोग भी बनाया खाया। आज हम दूसरा कुछ तरीका से बना रहा, देखिए शुरू करते हैं। चूल्हे पर कढ़ाई बैठा दिया, चूल्हे हम जला दे रहा, कढ़ाई गर्म होने के लिए छोड़ दिए। कढ़ाई गर्म हो चुका, बैंगन का हिसाब से हम पानी ले ले रहा। पानी थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ दिए। पानी अच्छा तरह गर्म हो गया, पानी खोलने लगा, बैंगन को पानी में छोड़ दिया। ऐसा कभी भी बनाइएगा, खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। बैंगन तो बहुत रकम का ही बनता है, भुजिया, चोखा, बैंगन का भत्ता। इसमें हमने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया, अच्छा तरह नमक को मिक्स कर लेता हूँ। ढाँक दिया, ढक्कन खोल लेता हूँ। हल्का सा ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करना है, हल्दी पाउडर देने से थोड़ा अच्छा कलर आता है। और भी हम थोड़ी देर के लिए ढक दें। एक गोटा लहसुन ले लिया हम बैंगन के लिए, ज़्यादा इसमें थोड़ा लहसुन देना ठीक लगेगा, अच्छा टेस्टी भी आता है लहसुन से। और दो हरा मिर्च ले लिया, तीखा का हिसाब से, हम लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, इसको अच्छा तरह कूट लेते हैं। लहसुन अच्छा तरह छींच लिया, लहसुन मैंने छींच चुका, थोड़ी देर हो चुका दोस्तों। अभी खोल के ढाकन देख लेते हैं, बैंगन अच्छा तरह उगल चुका है, बैंगन पक भी गया। बैंगन अच्छा तरह पक चुका, अभी इसको निकाल लेते हैं। ये आसान बहुत बनाने का, इतना झंझट नहीं है, टाइम नहीं होगा तो ऐसा भी बना सकते हैं। कढ़ाई गर्म है, अभी तेल दे दे रहा, तेल थोड़ा देना है ज़्यादा करके। थोड़ा सा हम गोटा सरसों दे दे रहा, दो हरी मिर्च, ये भी जो कूटा हुआ लहसुन उसको भी डाल दिया। लहसुन को अच्छा तरह भून लेता हूँ। लहसुन अच्छा तरह भून चुका, ज़्यादा जलाना नहीं है। इसी में उगला हुआ बैंगन डाल दिया, बहुत ही अच्छा सब्जी बनता है इसमें, टेस्टी। बैंगन छेचकी बन के तैयार है दोस्तों, ऐसे ही बनाना है।
चटपटिया सब्जी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। बाय।